तो ये क्या नाम है आपका? शोभी अब्दुल समद। तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया बैठे पे, मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठा के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूं ढक दिया मेरे यूं, और एक इधर से पकड़ लिया एक इधर से पकड़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे। और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सियाराम के नारे लगाओ, सियाराम जय सियाराम, और मैं अल्लाह अल्लाह कह रहा तो माल लगा रहे और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिए और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया एक इधर से हाथ पकड़ ले और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी कि आज तुझे छोड़ में हमने बहुत आदमी और मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते मारते 7 बजा लिए और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता मगर चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए चुप हो और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है हमारे पर मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र ना पढ़ रहा मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद ना कर जय सियाराम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी ढाई थी सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से माल लगाई और मतलब लठ लठ था लठ मारे मैं रो गया चिर गया तो मुझे मतलब ये बहुत मारा इतना मारा कि मैं चल घबराइए मत दोस्तों बड़े शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी कहाँ की है भला ये हौजबंदी। शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी कहाँ की है भला ये हौजबंदी। फिर सब में खड़े होते नहीं क्यों खुदा कुरआन पैगंबर एक तुम्हारा खुदा एक हो जाओ मुसलमान मुसलमान एक हो जाओ खुदा खुदा एक हो जाओ फलस्ती शाम इराक और ईरान निशाना जुल्म का हर सू मुसलमान कहीं जाए अमा मिलती नहीं क्यों मुसलमानों जरा सोचो खुदारा खुदारा